बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज शेफ़ जमाल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं एक नई रेसिपी लेके। और आज की जो रेसिपी है वो हमने थोड़ा सा चेंज किया है, रमज़ान का महीना है तो हमने उसी हवाले से आज पकौड़ों की एक रेसिपी बनाई है। तो हमने उसमें थोड़े से वेरिएशंस किए हैं, मतलब हमने उसको रेम्बो पकौड़े का नाम दिया है। तो उसमें मुख्तलिफ स्टाइल के पकौड़े भी हैं और मुख्तलिफ सब्ज़ी के पकौड़े हैं, वो जब बनेगी तो आप ज़रूर देखिएगा। तो आइए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं किचन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो पकौड़ों की हमने वैरायटी बनानी है व्यूअर्स, उसके लिए हमने आज थोड़ा सा इसको वेरिएशंस किए हैं, कुछ स्टाइल चेंज किया पकौड़ों का। सादे किस्म के पकौड़े तुम खाते रहते, सिखाए भी लोगों ने बहुत सारे इस तरह के, मैं थोड़ा सा चेंजिंग की है। तो वो देखें, एक तो ये है, हमने इस तरीके से इस फॉर्म में आलू को काटा है, एक इस फॉर्म में आलू को काटा है। ये अपने हाथ में आप जिस तरह के चाहें डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, इससे ज़रा लुक अच्छी आ जाती है चीज़ों की, होना चाहिए ये चीज़ें। तो ये हमने आलू इस तरीके से काट के इसको 5 मिल के नमक के पानी में उबाल लिया है इसको, ये दोनों चीज़ों को। और कोई भी आपके पास कटिंग की चीज़ हो तो आप ये सुराख से कर लें, स्टार बन जाते हैं, कुछ भी है तो कोई भी आपके पास चीज़ हो इस तरह की, जैसे आप ये कर सकते हैं, इस शेप में काट सकते हैं। कुछ ही हमारे पास ये सादे किस्म के हैं, ये पालक के पत्ते हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे कि इनको आप अच्छे से अच्छे लुक में किस तरह लेके आ सकते हैं पकौड़ों को। एक नया पकौड़ा हम आपको सिखा रहे हैं, ये टमाटर का पकौड़ा, ये भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह बनेगा, ये बहुत मज़े का बनता है ये। तो जिस वक्त मैं इसके मसाले आपको अभी बताता हूँ सबके, तो फिर बनाने का तरीका मैं आपको समझाऊँगा। तो मसाले देखिएगा। अच्छा व्यूअर्स, हमने जो ये आलू काटे थे, जो इसके बीच में से चंक्स से निकले हैं वो ये है, ये देख रहे हैं आप। इसको हमने फूड कलर डाल के येलोइश हल्का सा उबाल लिया है 3-4 मिनट के लिए, इसमें खूबसूरती आएगी, मैं आपको बताऊंगा किस तरह बनेंगे। उसके अलावा ये बेसन हमने लिया है 3 जगह पे, और 3 जगह इसलिए लिया है कि हम इसको असल में रंग बिरंगे पकौड़े बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह आप पकौड़ों में भी खूबसूरती ला सकते हैं तरह तरह की। ये हमारे पास ग्रीन कलर है, ये एक बेसन में ऐड कर लें आप। ये हमारे पास येलो कलर है, ये आप ऐड कर लें इसमें। कुछ बेसन में ये आप रेडिश कलर है, पिंकिश भी आ सकता है, ये ऐड कर लें। ये करने के बाद जो है ये पानी हमने ले लिया है, इस पानी से जो है ना आपने इस बेसन को घोलना है। और ये चाट मसाला है, इस चाट मसाले में ये 1 चम्मच लेमन जूस है, ये आप इसके अंदर मिला लें। ये भी जहाँ काम आएगा मैं आपको बताता हूँ इस कहाँ पे इस्तेमाल होगा। ये थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करें, ये बस इतना ही चाहिए, ज़्यादा खट्टा नहीं हमने इसको करना, ये सख्त फॉर्म में इसको आपने बना लेना है। ये देखिएगा, ये बस इतना। ये अभी मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा थोड़ा बना रहा हूँ, आप चाहें घर में जितनी भी मकदार में बनाना चाहे बना सकते हैं। ये देखिएगा, ये हमारे इस फॉर्म में आ गया, ये चाट मसाला हमारा होममेड है, ये भी सिखाऊंगा मैं आपको, ये इस तरह करके आपने बनाना है ये। और ये बेसन है, इसमें 1-1 चम्मच कॉर्नफ्लोर भी इस्तेमाल होगा, वही मैं आपको दिखा दूंगा। 1 चम्मच इसमें, 1 चम्मच इसमें, 1 चम्मच इसमें, ये घोल के मिक्स करके मैं आपको फिर मिलता हूँ दोबारा। ये व्यूअर्स कॉर्नफ्लोर है, ये बस इतना लेवल करके 1 चम्मच इसमें आपने डालना है, 1 चम्मच इसमें डालना है, 1 चम्मच इसमें। इससे पकौड़े आपके जो थोड़े क्रिस्पी हो जाएंगे, मुलायम हो जाएंगे, बड़े अच्छे बनेंगे। फिर मैं आपको दिखाता हूँ घोल के। ये नमक डाल लें आप हसबे ज़रूरत, 1-1 चुटकी बहुत है इसमें नमक, ये बस इतना नमक, ये 1/2 टीस्पून से भी कम है। ज़ीरा भी इसी मकदार में, क्योंकि बेसन थोड़ी थोड़ी मकदार में, ये आपको सिखाने के लिए जब आप अपना बनाएंगे ज़्यादा मकदार में उसी हिसाब से डाल लीजिएगा। ये कुटी मिर्च, ये अजवाइन, ये पिंच, बस ये इतना ही। अब इसको मैं मिक्स करता हूँ पानी के साथ, फिर अगली इसकी शक्ल मैं आपको दिखाऊँ। ये भी बस देखें, ये
बेसन कलर मिलाने के बाद, तमाम मसाला जात डालने के बाद इस फॉर्म में आ जाएगा। ये इस फॉर्म में आ गई, ये देख रहे हैं आप, ये तमाम का ना, ये इससे ज़्यादा पतला या गाढ़ा नहीं होना चाहिए। ये और आगे मैं बताता हूँ आपको। ये भी बस सब्ज़ मिर्च हमने ली है, इसको कट लगा के इसके भी हम पकौड़े बनाएंगे। यही चाट मसाला लेमन जूस के साथ ऐड किया हुआ, ये इसके अंदर ही भरा जाएगा। और इसकी आउटलुक को हम खूबसूरत बनाने के लिए यही तीन कलर के बेसन इस्तेमाल करेंगे, वो मैं अभी आपको तलते हुए बताऊंगा कि किस तरह होगा ये। तो ये आज के पकौड़े। रहीम व्यूअर्स, हमने आपको बताया कि आलू के ये पकौड़े, पालक के और टमाटर के, ये टमाटर को हमने इस तरह होल करके खाली कर लिया है। तो इस खाली के अंदर जो मसाला अब जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो है 2 से 3 तह लगेंगी चीज़ों की, पहले मैं आपको समझा दूँ। ये हमने आलू का उबाल के इसके अंदर कुटी मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा, अजवाइन, नमक और काली मिर्च, ये हमने इसमें डाली है और इसको मिक्स कर लिया है। इसको मिक्स करने के बाद आपने सबसे पहले ये आलू को इसके अंदर, टमाटर के अंदर ऐसे भरना है। ये देखिए, ये टमाटर भर दिए। उसके बाद हमने ये बंद गोभी, शिमला और गाजर ली है। इसमें हमने नमक, मिर्च और थोड़ा सा चिकन पाउडर मिलाया है। ये थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर, ये। फिर जो हमने ये चाट मसाला बनाया था लेमन जूस के साथ, ये थोड़ा सा इसमें जाएगा। ये इस तरीके से ही थोड़ा सा ऐड हो गया ये। इसके बाद फिर ये आलू का मटेरियल आप डालेंगे इसके अंदर इस तरीके से। फिर ये आपकी सब्ज़ी जाएगी, ये सब्ज़ी आलू मटेरियल के बाद ये सब्ज़ी, और लास्ट में ये चाट मसाला डाल के आपने इसको इसी आलू से लास्ट में कवर कर देना है। ये देखिए, ये पैक हो गया। अब इसका मसाला नहीं निकलेगा, इसको हमने फिर जो बेसन हमने बनाए हैं कलरफुल, वो इसके अंदर फ्राई होगा। देखिए फॉर्म है इसकी। ये हमने आलू, बैंगन और शिमला मिर्च ये ली है, इसका पकौड़ा बनेगा। ये हम बनाते हुए आपको बताएंगे किस तरह बनेगा। पालक का हम बता चुके हैं आपको। ये हमने ग्रीन चिलीज़ भर ली थी, इसके अंदर वही चाट मसाला लेमन जूस के साथ, ये भी तमाम फ्राई होंगी। और इसके अलावा एक ये है हमारे, ये गोला पकौड़ा बनेगा। ये देखिएगा, इसको आपने पहले एक छोटी सी बॉल बना के इस तरीके से इसको बेसन में फ्राई करना है। उसके बाद फिर इसके ऊपर इसी आलू की कोटिंग होगी और फिर उसको फ्राई करना है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ किस शेप में आएगा। तो इसके बाद हम चलते हैं तलाई की तरफ। तो आइए इन तमाम वैरायटीज़ को फ्राई करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं किस तरह की शेप्स आई हैं। ये जो हमने बनाया था चाट मसाला और लेमन का मिक्सचर, ये आपने इसके अंदर इस तरीके से लगाना है। उसके बाद शिमला मिर्च रखनी है, फिर ये चाट मसाला लगाना है इसके ऊपर। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लगाने की। इसके बाद ये बैंगन हमने लिया था, बैंगन को छुरी लगते काला हो जाता है थोड़ा सा। फिर इस पर चाट मसाला लगेगा, फिर ये आलू रखना है आपने इसके ऊपर। फिर ये चाट मसाला,
फिर ये शिमला, फिर लास्ट में बैंगन लगा के आपने इसी तरह इसको मजबूती से पकड़ना है। इस तरीके से इसको आपने मटेरियल के अंदर डिप करना है जो बेसन का हमने बनाया था। फिर इसको आपने सीधा कढ़ाई के अंदर लाइट हीट पे पकाना है इसको। ये हमने जो उसके छोटे चंक्स आलू के निकाले थे वो हमने इस पर लगा दिए हैं। इस तरीके से आप इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालते रहें ताकि कच्चा कहीं सा न रहे। ये व्यूअर्स, ये आलू का भुर्ता जो हमने बनाया था, ये टमाटर को इसके अंदर आप बिल्कुल फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, और फिर इसको बेसन में डिप करके और कढ़ाई के अंदर ये इस तरीके से नाज़रीन इसको आपने डाल देना इसके अंदर। ये देखिए व्यूअर्स, ये टमाटर का पकौड़ा, इसको कोटिंग के बाद हमने डाला था, ये तकरीबन तैयारी पे इस शेप में आ जाएगा। ये पकने के बाद भी टमाटर ही लगेगा आपको, लेकिन जब हम इसकी कटिंग करेंगे फिर ये खूबसूरत शेप आएगी इसकी। ये पोटैटो स्लाइस मैंने काटे थे, ये हम ग्रीन कलर में डबो के इसको फ्राई कर लेते हैं। ये इस तरीके से कोई जगह खाली ना रहे और फटाफट इसको डाल दें। ये व्यूअर्स, ये रेड कलर है, ग्रीन चिल्ली है भरी हुई, ये इसको हम कलर चेंज कर देते हैं इसका। इस तरीके से ये नाज़रीन जालीदार हमने बनाया था। ये भी इसी तरीके से डाल दीजिएगा। अच्छे खानों में मेहनत होती है, दिलचस्पी होती है, दिल दिमाग मोहब्बत सब शामिल होता है, तब आपसे एक अच्छी चीज़ बनती है। आपके घर में आपके चाहने वाले मेहमान कोई आ रहे हैं तो उनके लिए आप दिल से जब चीज़ बनाते हैं तो उसमें आप कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी शेप भी हो, टेस्ट भी हो, मज़ा भी हो, ताकि मेहमान आपकी तारीफ़ करें। ये हमारे ये वाले पकौड़े भी हो गए। अब नाज़रीन, ये हमारा ये व्यूअर्स देखें आप, ये ग्रीन पत्ते, इसको हमने रेड में कर दिया। ये पालक के पत्ते हैं, यही वेरिएशंस होती हैं खाने में कि आप उसके चेंजिंग को ऐसी करें कि पहचान ही ना हो क्या है ये। इस तरीके से
व्यूवर्स, ये वही आलू का मटेरियल है जिसे हमने टमाटर में भरा था। अब इसका एक और मैं नया डिज़ाइन पकौड़ों को बनाने लगा, ये भी देखिएगा। इसकी पहले हमने एक बॉल बनानी है येलो कलर से, ये इस तरीके से इसको कढ़ाई में डाल दें। व्यूअर्स, ये जो बाकी मटेरियल बचा है इसका आलू का, इसमें हमने शिमला और हरा धनिया मिला लिया है मामूली से बारीक काट के। ये अब जो है मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। थोड़ा सा ये भी ऐड किया हमने इसमें, जो कि बंद गोभी, शिमला और गाजर हमने काटी थी वो भी ऐड कर दी, ज़्यादा नहीं बस मामूली सी। ये व्यूअर्स, हमने जो बॉल बनाई है ये देखें, ये येलोइश हो गई है। इसको अभी हम निकाल देते हैं बाहर, ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद जो मैंने अभी मटेरियल आपको दिखाया था पोटैटो का, वो उसके ऊपर कोट होगा। मैं बताता हूँ आपको, ये व्यूअर्स, ये हमने जो बॉल बनाई थी येलो, ये हमने जो बाकी मटेरियल बचा था आलू का, इसके अंदर इसको रख के आपने इसको बिल्कुल इसके अंदर फोल्ड कर देना हल्के हाथों से। ये इस शेप में आ जाएगी। इसके बाद इसको ग्रीन कलर में कोट करके और कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। ये हमने ग्रीन कलर कोट करके ये इसके अंदर डाल दिए। ये हमारी बॉल आलू की पोटैटो बॉल तैयार है। बस ये हमने निकाल ली बाहर। ये भी व्यूअर्स, हमने जो पकौड़ा बनाया था बैंगन आलू शिमला मिर्च का, तो ये हमने तैयार कर लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। देखते हैं अंदर से इसकी क्या शेप आती है। ये देखिए व्यूअर्स की ये शेप आई है और ये अंदर से लुक इसकी है। इस तरह आप बनाइएगा, खाइएगा, बहुत लजीज होगा। ये व्यूअर्स हमारा टमाटर पकौड़ा, तो इसकी कटिंग करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, ये खाने में बहुत मज़ेदार होगा। ये नाज़रीन हमारा पोटैटो पकौड़ा था जो कि हमने एग की शक्ल में बनाया था। अब इसी की कटिंग दिखाते हैं आपको करके, इस शेप में काटते हैं हम, देखिएगा उसको। ये देखिए, ये व्यूअर्स हमारे आज के पकोड़े, जो हमने अपनी तरफ से कुछ अच्छा उसमें वेरिएशंस और कुछ डिज़ाइन चेंज किए हैं। आप लोग भी चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं। इसमें थोड़ी सी मेहनत तो है लेकिन चीज़ अच्छी बन जाती है, खाने में भी लजीज होंगे। ये हमारे पालक के पकोड़े, ये हरी मिर्च हो गए, ये पोटैटोज़ हैं जिसको हमने नीम उबाल लिया था, और ये भी हमारे शिमला आलू और बैंगन के पकोड़े, ये हमारे पोटैटो बॉयल हुए उनके पकोड़े, और ये भी वही चीज़ है टमाटर के अंदर भी हमने पोटैटो भरे हुए थे, और ये आलू सिंपल आलू हैं जिसको हमने ग्रीन कलर कोट किया है। व्यूअर्स, ये पकोड़ों के साथ जो चटनी इस्तेमाल होती है वो भी हम आपको बनाने सिखा देते हैं। इसके अलावा एक दो चटनियाँ और हैं, वो भी हम सिखाएंगे अभी आपको। ये इसमें हमने हरा धनिया लिया है, ये एक छोटी गट्ठी हरा धनिया की, एक गट्ठी पुदीने की है, एक टीस्पून इसमें टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है, एक टेबल स्पून इसमें अनारदाना कुटा हुआ, हाफ टी स्पून इसमें कुटी मिर्च है, 3-4 हरी मिर्चें हैं, नमक हसब ज़रूरत है, और नमक आपका चटनी पीसते हुए नहीं डालना, ये बाद में डलेगा जब तैयार हो जाएगी। ये खटाई अमचूर आम का पाउडर, ये एक टेबल स्पून है, ये लहसुन पाउडर है, ये एक टेबल स्पून है। ये तमाम चीज़ें अब मैं इसको ग्राइंड करूँगा, उसके बाद आपको दिखाता हूँ किस फॉर्म में आएगा। अब व्यूअर्स, हमारी ये दूसरी चटनी जो कि
अरारोट की है, इसमें एक कप पानी आप फ्राइंग पैन में डाल लें, ये मैं थोड़ी आपको बना के दिखा रहा हूँ, और एक कप इसमें चीनी जाएगी। ये व्यूअर्स चीनी एक कप ये इसमें डाल दिया आपने। अब इसको हम लें पकने देना है थोड़ी देर। ये व्यूअर्स चारों मगज़ है, ये एक टेबल स्पून है, ये इसमें आप डाल दें पकते हुए। दो टेबल स्पून इसमें सिरका जाएगा, ये सिरका का ये होता है कि इसको ख़राब भी नहीं होने देगा। ये चटनी आपकी काफ़ी दिन तक चल सकती है, एक महीने तक ये आप फ्रिज में रखें तो ये बेहतरीन चलेगी। ये आपके समोसा चाट के साथ, दही बोलों के साथ, और ये पकौड़ों के साथ, सबके साथ चलेगी। ये येलो फूड कलर है व्यूअर्स, ये इसमें आप डाल दें हाफ टी स्पून से भी कम थोड़ा सा। साथ ही ये थोड़ा सा रेड कलर डालें, इससे इसका कलर खूबसूरत आ जाएगा। ये देखिए ना, ये व्यूअर्स कॉर्नफ्लोर, ये हमने तकरीबन 3 टेबल स्पून लिया। अब हमें जितनी ज़रूरत होगी उसी हिसाब से हम इसको डालेंगे। ये इसको गाढ़ा करने के लिए चटनी को है, ये देखिए, पहले इतना डालें और चेक करें। अगर आप समझते हैं कि यहाँ इसकी थिकनेस ठीक है तो उतना आप रखें, अगर आप समझते हैं कम है तो मामूली सा और डाल दें। इसको पहले चेक कर लें क्योंकि पकने के बाद थोड़ा सा और गाढ़ा होगा। ये व्यूअर्स ये पकना शुरू हुआ है, अब ये अब देखिए ये इस फॉर्म में आ गया है, तो मेरे ख्याल है कि ये वाली फॉर्म इसकी बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स ये आज की हमारी रेसिपी थी रेमबो पकौड़ा प्लेटर, साथ में हमने ये दो चटनियाँ बनाई हैं, एक ये रेड चटनी चारों मगज़ वाली, और ये ग्रीन चटनी पुदीना हरा धनिया की। इसके साथ खाएँ, बहुत लजीज लगेगा आपको, तो ये आप लोग इन्जॉय करें। इंशाल्लाह मज़ीद रेसिपीज़ के साथ हम दोबारा हाज़िर होंगे।